वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। आपके स्क्रीन पर राहुल गांधी जो भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं कि हम आपसे डरते नहीं हैं, क्योंकि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गुजरात में उनके एक उम्मीदवार को अगवा कर लिया गया है और निशाना या आरोप सीधे भारतीय जनता पार्टी पर है। इत्तेफाकन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो राजस्थान प्रवेश कर चुकी है। जी हां, मध्य प्रदेश को नमस्कार, खमा घन्नी राजस्थान। बड़ा प्रश्न ये कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जो तस्वीर है, जिस तरह की उन्हें प्रतिक्रिया मिल रही है, उसे ना दिखाकर गोदी मीडिया एक बहुत बड़ी भूल कर रहा है, और क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक डर घर कर गया है कि कहीं इसका असर आने वाले दिनों में, खासकर 2024 के लोकसभा चुनावों में ना पड़ जाए। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि गुजरात के अंदर जो बवाल हुआ है उस पर राहुल गांधी का क्या कहना है। कांग्रेस के आदिवासी नेता और दांता विधानसभा प्रत्याशी श्रीकांति भाई खराड़ी पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने जानलेवा हमला किया और अब वो लापता हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के अतिरिक्त अर्धसैनिक बल की तैनाती की मांग की थी, मगर आयोग सोया रहा। भाजपा सुन ले, न डरे हैं न डरेंगे, डट कर रहेंगे, लड़ेंगे। यह है राहुल गांधी की चेतावनी भारतीय जनता पार्टी को। मगर जिस तरह की प्रतिक्रिया उन्हें इस यात्रा में मिल रही है दोस्तों, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। मध्य प्रदेश में इस तरह की प्रतिक्रिया मिलना, वो भी उस जगह पर जिसे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, बहुत कुछ कह रहा है। बात यहां नहीं रुकती। जैसे कि आप जानते हैं, अब वो राजस्थान में प्रवेश कर चुके हैं। कल पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में उनका स्वागत हुआ, और देखिए लोक नर्तकों के साथ राहुल गांधी को भी किस तरह से मंच पर अशोक गहलोत और उन्हें साथ में नचाया जा रहा है। ये वही मंच है जहां अशोक गहलोत भी बैठे थे और सचिन पायलट भी बैठे थे, और आप जानते हैं दोनों में जबरदस्त प्रतिद्वंद्विता चल रही है, लड़ाई चल रही है, और ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़े सिरदर्द का सबब है। बहरहाल आप देख सकते हैं, पारंपरिक लोक नृत्य के सहारे उनका स्वागत राजस्थान में किया गया। राहुल गांधी सामने आए और उन्होंने कहा कि आखिर क्यों वो पैदल चलकर ये यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप पैदल चलते हैं तो आप किसानों के हाथों के छालों को देख सकते हैं, उनके दर्द को महसूस कर सकते हैं, युवा जो संघर्ष कर रहा है उससे रूबरू हो सकते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर कोई ये चाहता है कि मैं गाड़ी में बैठकर भारत जोड़ो यात्रा करूं, तो इसके लिए राहुल तैयार नहीं थे। राहुल क्या वजह बता रहे हैं, आइए सुनते हैं। काफी लोगों ने कहा कि देखिए इस यात्रा को गाड़ी में करना चाहिए। दिग्विजय जी हैं यहां पे, उनको याद होगा जब दिग्विजय जी और बाकी लोगों ने कहा कि इस यात्रा को गाड़ी में करना चाहिए, तो मैंने कहा अगर आप यात्रा को गाड़ी में करवाना चाहते हैं तो मैं आपका आदमी नहीं हूं, फिर आपको किसी और से करवानी पड़ेगी। अगर यात्रा पैदल करनी है तो फिर मैं यात्रा करने के लिए तैयार हूं, और इसके पीछे मेरी सोच थी। सोच ये थी कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान में जो हमारे राजनेता हैं, और मैं सिर्फ किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूं, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, सब पार्टियों की बात कर रहा हूं, जो हमारे राजनेता हैं उनके बीच में और जनता के बीच में बहुत दूरी हो गई है। राजनेता कभी हवाई जहाज में उड़ते हैं,
हमारे तरीके से उड़न खटोला बोल दो उसमें, उसको उड़न खटोले में आते हैं, कभी गाड़ी में आते हैं। और मैंने सोचा कि 21वीं सदी में अगर हिंदुस्तान को समझना है, हिंदुस्तान के किसानों से बात करनी है, उनकी इज्जत करनी है, युवाओं की इज्जत करनी है, मजदूरों की इज्जत करनी है, तो पैदल चलने की जरूरत है। जैसे जैसे हिंदुस्तान की आम जनता सड़कों पे चलती है, वैसे ही हमें करना चाहिए। तो सुना आपने, ये थे राहुल गांधी जो अपनी वजह बता रहे थे कि आखिर वो पैदल ये यात्रा क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी अब उन इलाकों में भी या उन राजनीतिक दायरों में भी प्रवेश कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ माने जाते हैं, मसलन धर्म, मसलन राम। ये ना भूलें कि साल 2024 की शुरुआत में भगवान राम का जो मंदिर है अयोध्या में, वो आम लोगों के लिए खोला जा सकता है। और उसके बाद मैं दावा कर रहा हूं कि तमाम न्यूज चैनल्स पर सिर्फ राम मंदिर से जुड़ी खबरें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही छाए रहेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं। वो एक ऐसा दौर है जिसकी भविष्यवाणी मैं आज करना चाहता हूं कि किसी न्यूज चैनल के किसी भी फ्रेम में आपको विपक्ष का कोई नेता नहीं दिखेगा। आज राहुल गांधी ने एक बहस छेड़ दी है। वो कह रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जय सियाराम क्यों नहीं कहते। उनका कहना है कि वो लोग जय श्री राम तो कहते हैं, मगर कभी भी जय सियाराम यानी जय सीताराम या हे राम नहीं कहते, क्योंकि इसके पीछे उनकी रूढ़िवादी सोच है। किस तरह से राहुल गांधी हमला बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। जय सियाराम का मतलब जय सीता जय राम, मतलब क्या कि सीता और राम एक ही हैं, सीता और राम एक ही हैं, इसलिए नारा है जय सियाराम या जय सीताराम। सही मतलब जो राम के जीने का तरीका था, जो उन्होंने सीता के लिए किया, भगवान राम ने सीता के लिए क्या किया आप जानते नहीं हो क्या? क्या किया? जाके सीता की इज्जत के लिए, सीता के लिए लड़े। सही। तो जब हम जय सियाराम कहते हैं, हम सीता की याद करते हैं और समाज में जो सीता की जगह होनी चाहिए उसकी आदर करते हैं। सही। जय सियाराम या जय सीताराम, तीसरा नारा जय श्री राम, उसमें हम राम भगवान की जय करते हैं। पंडित जी ने मुझसे पूछा, मुझसे कहा कि आप अपनी स्पीच में पूछिए कि बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्रीया राम और हे राम क्यों नहीं करते। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। क्योंकि राम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, राम ने समाज को जोड़ने का काम किया, राम ने सबको इज्जत दी। मगर दिक्कत यह है कि जैसे ही आप राम सीता राम मंदिर और उस सियासत में प्रवेश करते हैं, तो आप ये नहीं भूल सकते कि आपके सामने यानी राहुल गांधी के सामने ये शख्सियत हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका पूरा जीवन धर्म और राजनीति को साधने में लग गया है, जिनकी राजनीति का एक अभिन्न अंग है धर्म, खासकर हिंदुत्व। राहुल गांधी का मुकाबला इसके साथ है।
वो जैसे ही राम की बात करेंगे, जैसे ही सीता की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उन्हें घेरने का प्रयास करेगी। मगर बीजेपी के लिए मुश्किल ये हो रही है कि उसके तमाम नेता कट्टर हिंदुत्व के सहारे, हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने के सहारे जो राजनीति कर रहे हैं, उसे इतनी लोकप्रियता नहीं मिल रही है। उल्टा राहुल गांधी की यात्रा को जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है, यह बीजेपी के लिए बहुत बड़े सिरदर्द का सबब बन गई है। मगर राहुल गांधी को सतर्क भी रहना पड़ेगा, क्योंकि उनका मुकाबला एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है जिसके हाथ में पूरा प्रचार तंत्र है, जिसके हाथ में एजेंसीज हैं। और ये ना भूलें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा ना मुख्य धारा का मीडिया ही कर रहा है, ना न्यूज़पेपर्स कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जो तस्वीर है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँच रही है। आजाद भारत के इतिहास में पहली यात्रा है, यह पहला आंदोलन है जिसके खिलाफ मीडिया खड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आप इतिहास के पन्नों पर नजर दौड़ाएं तो चाहे जेपी आंदोलन रहा हो या फिर अन्ना आंदोलन, मीडिया ने हमेशा से ही ऐसे आंदोलनों का साथ दिया है। मगर आपने देखा होगा पिछले 8 सालों में शाहीन बाग आंदोलन, उसके बाद किसान आंदोलन और अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, इन तीनों आंदोलनों या यात्राओं के खिलाफ मीडिया ने जबरदस्त प्रचार चलाया है। कभी शाहीन बाग के आंदोलनकारियों को पाकिस्तानी बताया, कभी किसानों को खालिस्तानी बताया, यानी कि बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। और उसी तरह से राहुल गांधी भी इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। कभी उनकी यात्रा के दौरान कोई रहस्यमय तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद बोल जाता है, शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा वीडियो पेश करते हैं जो फर्जी है या सही अब तक हमें नहीं मालूम, मगर उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है। कभी राहुल गांधी के परिवार पर हमला किया जाता है, उनकी बहन शामिल होती है तो उनके बहन के बच्चों पर बीजेपी के प्रवक्ता हमला बोलते हैं। भाजपा के अध्यक्ष कहते हैं कि राहुल गांधी ये यात्रा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने पूर्वजों के पाप धोना चाहते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा उन्हें सद्दाम हुसैन तक बता देते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, ये तमाम हमले हैं, ये तमाम प्रहार हैं जिसका सामना राहुल गांधी कर रहे हैं। मगर सबके जहन में यही सवाल है कि क्या ये यात्रा कांग्रेस की खोई हुई गरिमा को दोबारा दिलवा पाएगी? क्या कांग्रेस अपने उस मुकाम तक पहुंच पाएगी जब 2003-2004 में उसने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी थी, जब 2009 के चुनावों में उसने भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया था? और सबसे बड़ा प्रश्न, इस साल के अंत में जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या? तो इसका जवाब दे रहे हैं पार्टी के प्रवक्ता जयराम रमेश, बकौल जयराम रमेश अब इसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू होगी। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आज काफी लंबी बातचीत हुई, चर्चा हुई, सभी सदस्यों ने सुझाव दिए कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या होगा, तो इसका फॉलोअप क्या होना चाहिए, उसके लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जो त्रिस्तरीय योजना है। 3 स्तर पर किया जाएगा, यात्राएं होंगी ब्लॉक और बूथ के स्तर पर, जिले के स्तर पर अधिवेशन होंगे और राज्य के स्तर पर रैलियां होंगी। तो ये त्रिस्तरीय योजना है, अभियान है। दरअसल अगर हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की बात करें तो इसके काफी मायने हैं। सबसे पहली बात, इसकी प्रासंगिकता, इसके सांकेतिक मायनों, इसके सिंबोलिज्म को समझिए। हाथ से हाथ जोड़ो यानी कि हाथ जो कांग्रेस का पार्टी सिंबल है, चुनावी सिंबल है, और इसी के जरिए राहुल गांधी का संदेश जो वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दे रहे हैं कि देश को जिस तरह से बांटा जा रहा है धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर, राजनीतिक सोच के आधार पर, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा का सीक्वल जो है वो है हाथ से हाथ जोड़ो। देखिए, तमाम बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, मगर आखिरकार इस भारत जोड़ो यात्रा या फिर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का मकसद होना चाहिए कांग्रेस का पुनरुत्थान। आप ये तमाम यात्राएं करते रहे, मगर अगर आप चुनाव में बीजेपी को चुनौती ना दे पाए तो उन यात्राओं का क्या मायने है? इसलिए क्या समानांतर तौर पर
कांग्रेस देश की जनता को एक ऐसा प्लान, एक ऐसी योजना, एक ऐसा विकल्प पेश कर पा रही है ताकि देश की जनता 2024 में कांग्रेस पर दोबारा एतबार करे। वो कांग्रेस जिसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है, वो राहुल गांधी जिन्हें बदनाम करने के लिए एक तंत्र पिछले 12 सालों से काम कर रहा है। और इसी मंच पर आपको याद होगा मैंने यह कार्यक्रम किया था जिसमें मैंने आपको बतलाया था कि जैसे ही राहुल गांधी ने बड़े बड़े धन्ना सेठों, बड़े बड़े उद्योगों पर टिप्पणी करनी शुरू की थी, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो इन तमाम औद्योगिक घरानों के लॉयर थे, उन्होंने पत्रकारों के साथ मिलकर, प्रचार तंत्र के साथ मिलकर राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करना शुरू किया। यह वो साजिश थी जिसका सामना राहुल गांधी पिछले 12 सालों से कर रहे हैं। तो एक तो चुनौती राहुल गांधी के सामने यह है कि अपनी खुद की छवि को बेहतर बनाना, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो बिखर चुकी है उसे साथ लाना, और यह चुनौती बहुत मुश्किल है दोस्तों। और सबसे बड़ी चुनौती है, हर राज्य में कांग्रेस दो खेमों में बटी हुई है। याद कीजिए पंजाब के चुनाव, उस वक्त पार्टी दो खेमों में थी, एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी, दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू। याद कीजिए छत्तीसगढ़, वहां पर भी दो फाड़ है, भूपेश बघेल जो कि मुख्यमंत्री है और उन्हें चुनौती दे रहे हैं टीएस सिंहदेव जो कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं। राजस्थान जहां वो प्रवेश कर रहे हैं, जैसे ही वो राजस्थान में प्रवेश करते हैं दो चीजें होती हैं, अशोक गहलोत एनडीटीवी को इंटरव्यू देते हैं और यहां कहते हैं कि सचिन पायलट गद्दार हैं। सचिन पायलट कहते हैं कि मैं इस तरह के निचली स्तर की बयानबाजी में नहीं पढ़ना चाहता। सचिन पायलट एक वीडियो तैयार करते हैं जिसमें वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करते हैं, यानी कि दोनों नेता अलग अलग काम कर रहे हैं। हर राज्य में देखिए दोस्तों, वहां पर कांग्रेस दो फाड़ दिखाई देती है, कांग्रेस मुश्किल में दिखाई देती है। और जिन राज्यों में एक जमाने में उसका वजूद हुआ करता था, वहां पर वो बद से बदतर होती जा रही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बिहार हो, बंगाल हो, तमाम जगहों पर कांग्रेस विलुप्ति की कगार पर है। यानी जहां वो सत्ता में है, जहां वो बीजेपी को सीधी चुनौती दे रही है, वहां दो फाड़ है, और अन्य राज्यों में वो बद से बदतर होती जा रही है। राहुल गांधी के सामने ये चुनौती है, न सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भारत को जोड़ना, भारत के अंदर जो एक राजनीतिक विचारधारा के जरिए लोगों में बंटवारा पैदा किया है उसे पाटना, उन खाइयों को पाटना, दूसरी तरफ कांग्रेस जो बिखर रही है उसे जो है समेटना, संवारना, ताकि वो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाए। न्यूज चक्र में बस इतना ही, अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।